गुड मॉर्निंग. टुडे इज़ अवर टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हम आज देखेंगे पेज नंबर 72 पर. ओके, देखिए फर्स्ट आपके लिए एग्जांपल यहाँ सॉल्व किया हुआ है. ये नंबर लाइन है 0 से लेके 20 तक, ठीक है. अब इसमें क्या किया है, देखिए 0 से लेकर 2 पे एक एरो है, यानी 0 से 2 पर पहुंचने पर इसने कितना लिया है अपना जगह, 1 और 2. ओके, फिर यहाँ से ये पहुँचा 4 पे, तो 2 से 4 तक पहुँचने के लिए इसको 2 डिजिट बीच में जाना पड़ा है. फिर 4 से 6 तक जब जाएंगे तो 5 बीच में आएगा और 6 पे पहुँचेगा, तो 1, 2 हो गए. और 6 से 8 तक जाने तक इसको 2 संख्याओं का सामना करना पड़ा है. अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2. क्यों लिखा हुआ है 4 टाइम 2, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ 2 पहुँचा 1, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा फिर 2, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा 3, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा 4, तो 4 टाइम हो गया, 1 2 3 4. और सभी में 2 2 क्यों है, क्योंकि इनको सबके पास पहुँचने के बीच में 2 2 संख्याएँ आ रही हैं. ठीक है, 0 से 2 तक पहुँचा तो 1 2, यहाँ से यहाँ पहुँचा तो 3 4, और यहाँ से यहाँ पहुँचा तो 5 6, यहाँ से यहाँ पहुँचा तो 7 8. ठीक है, तो 1 2 1 2 1 2 1 2, तो 2 टाइम 4 जो है 4 टाइम 2 आया. तो हमने देखा कि नीचे इन्होंने ऐसे प्लस करके लिखा है, फिर इनको ऐड किया है, तो 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8, और 4 into 2 equal 8. यानी 4 into 2 क्यों किया, ये तो सीधा है एडमिशन हुआ तो ऐड आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 4 into 2 क्यों, क्योंकि 2 तो सब में बराबर है, तो 2 आ गया, और ये कितने टाइम है, 4 टाइम, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 4, तो 2 4 जा 8. अब देखिए नेक्स्ट लाइन, इसमें भी सेम करना है. जैसे देखिए यहाँ से ये यहाँ पहुँचा, यहाँ से ये यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, इनको यहाँ तक पहुँचने में 2 2 संख्याएँ बीच में आ रही है. जैसे 0 से 2 तो 1 2, तो सब में लिखाएंगे हम 2 2 2 2 2. अब इनको ऐड कर दीजिए, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10, क्या आया 10. अब क्या करना है, अब क्या करेंगे कि ये कितने टाइम है, 5 टाइम, 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम लिखेंगे 5, और डिजिट क्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2. अब 2 की मल्टीप्लाई 5 से, 2 5 जा 10, इक्वल हो गया आंसर. बाकी के दोनों क्वेश्चन आपको इसी प्रकार करना है.